से खाना खा रहे हो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरा नेटवर्क स्लो है शायद, आज बहुत स्लो दिख रहा है। तो आवाज आ रही है सबको मेरी? कैन एवरी वन हियर मी? सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक हुआ था? कोई कल का रिवीजन कर सकता है? कल हम लोग ने क्या क्या सीखा? कोई भी रेज हैंड करो यहां से। या फिर चैट में मैसेज करो, क्या क्या सीखा अपन ने कल, चैट में मैसेज करो यहां पर। स्क्रैच सीखा, बेसिक स्क्रैच। स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या रहती है? ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो MIT ने लर्निंग पर्पसेस के लिए बनाई है, और टास्क विद स्प्राइट, स्प्राइट वगैरह क्या रहता है हम लोग ने देखा। ये प्लेग्राउंड समझा हम लोग ने, ये एडिटर कैसे रहता है, स्प्राइट्स वगैरह क्या रहती है। फिर हम लोग ने बेसिक एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किया स्क्रैच में। स्क्रैच में एक बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किया हमने। वाईफाई कहाँ चल रहा है? ज्यादा नहीं चल रहा है, वो मेरा ही स्लो हो जाएगा। ये चालू करो ना, हॉटस्पॉट लो। हॉटस्पॉट नहीं है, मेरा हॉटस्पॉट ले लो, क्योंकि यार
में तुम्हारा? ये लोड ही नहीं हो रहा है आज, पता नहीं नेटवर्क हो गया वो। ठीक है, तो हम लोग ने कल जो किया था, यस्टरडे वी तो सब लोग अभी मेरे साथ करो। लाइक हम लोग ने फिर ये एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया, मींस कल जो नहीं थे उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि हम लोग ने एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए। लाइक सबसे पहले व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड हम लोग ने देखा कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट्स बोले तो कोई एक्शन जो हम लोग लेने वाले हैं स्प्राइट के ऊपर या कोई भी चीज में, जैसे कि बटन क्लिक एक एक्शन हो गया, ड्रैग एक ऑप्शन हो गया। ऐसे हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शन हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी मिलेंगे, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो मेरा हॉटस्पॉट ओपन है, ठीक है, उसको कनेक्ट कर लो। सो हम लोग के पास, हमने ये व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड बोल के ये लिया, और फिर हम लोग ने ये लुक्स में गए तो से हेलो बोला और इसको प्ले करा, तो ये कैट ने हेलो बोला यहाँ पर। फिर हमने बोला कि से हेलो नहीं बोलना है हमको, एक क्वेश्चंस भी चाहिए, मतलब सेंसिंग चाहिए। तो सेंसिंग के अंदर हम गए, ये से हेलो को निकाला, व्हाट इज योर नेम बोलकर क्वेश्चन 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 दिया, और जो भी आंसर आया हमको ये फंक्शन ने रिटर्न किया। तो हमने क्या देखा, दो चीजें देखा। पहले तो ये चीज देखा कि एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फंक्शंस, आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर फंक्शंस, मतलब ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं। एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस इनपुट एंड आउटपुट, ये सब चीजें, ये हर चीज का एक इनपुट होता है, हर चीज का एक आउटपुट होता है। तो अभी ये जो से फंक्शन हम लोग ने जो लिखा, ये जो से फंक्शन है, ये आस्क फंक्शन है। से फंक्शन सिर्फ ये हेलो बोलकर एक इनपुट लेता है, मतलब ये हर एक चीज क्या है, एक इनपुट आउटपुट है। तो ये हमारा जो सेव फंक्शन है, ये सेव फंक्शन हमारा सेव फंक्शन है, ये सॉरी, ये सेव फंक्शन क्या लेता है, जो भी टेक्स्ट दे रहे हैं हम लोग, जैसे कि हमने हेलो दिया, ये क्या हो गया, वो सेव फंक्शन को इनपुट हो गया। सेव फंक्शन यहाँ पे कुछ तो भी करता है, मतलब ये अल्गोरिदम में सेव फंक्शन कुछ तो करता है, और वो आउटपुट में हमको क्या दे रहा है, मतलब हमको आउटपुट में, मतलब जो भी ये ऑब्जेक्ट है कैट, कैट का ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर हेलो प्रिंट करके दे रहा है, उसके ऊपर हेलो प्रिंट करके दे रहा है। तो ये क्या हो गया है कि ये जो कैट के साथ मेरे को ये हेलो मिला, मतलब ये जो आउटपुट मिला जब मैंने ये सेव फंक्शन डाला, तो ये सेव फंक्शन को इनपुट क्या है, जो भी अभी मैंने हेलो लिखा यहाँ पे, इसीलिए हेलो है, हेलो के आगे हेलो वर्ल्ड लिखता था, तो ये हेलो वर्ल्ड ये क्या है, ये कैट फंक्शन के लिए इनपुट है। और आउटपुट क्या है, आउटपुट ये पूरा स्प्राइट है, या ये कैट है जो कि हेलो वर्ल्ड दिखा रही है, ये क्या कर रही है, हेलो वर्ल्ड दिखा रही है। सो इस तरीके से अलग अलग हर फंक्शन, अभी हर फंक्शन एक कुछ ना कुछ इनपुट लेता है और कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। तो
हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो हम लोग फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस। तो यहाँ पे भी हम लोग ये स्प्राइट की जो प्रोग्रामिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स, वर्ब्स जब भी हम लोग वर्ब्स बोलेंगे या एक्शंस बोलेंगे, हमने देखा ना अपने सूडो प्रोग्रामिंग में, देखा कि एक्शन और वर्ब्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक्शंस एंड वर्ब्स आर कॉल्ड एज फंक्शन, आर कॉल्ड एज फंक्शंस, लाइक दैट डज अ स्पेसिफिक थिंग, मतलब एक एंड फंक्शंस डज सम स्पेसिफिक थिंग, सम स्पेसिफिक मतलब कुछ स्पेसिफिक टास्क करता है ये। तो इसमें क्या रहता है, दो चीजें रहती है, एक तो इनपुट रहता है, इनपुट एंड अदर इज आउटपुट। सो एवरी फंक्शन कैन टेक सम इनपुट एंड गिव सम आउटपुट, एवरी फंक्शन विल टेक सम इनपुट। तो हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ये जो इनपुट होता है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरामीटर्स बोले थे, पैरम्स या और पैरम्स और पैरम्स और आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स ये क्या बोलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग वर्ड में, जो भी फंक्शन को हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट देते हैं। और कभी कभी कोई कोई फंक्शन क्या देता है हमको, वापस आउटपुट देता है, वापस आउटपुट देता है। आउटपुट देता है मतलब, अभी जैसा कि यहाँ पर हमने यहाँ पे इनपुट क्या दिया, ये से फंक्शन है समझ लो, ये से फंक्शन है, हमने यहाँ पे इनपुट क्या दिया, हेलो वर्ल्ड दिया, हेलो वर्ल्ड दिया। इन रिटर्न, रिटर्न में हमको क्या मिला, आउटपुट क्या मिला, एक कैट मिली जियो हेलो वर्ल्ड ऐसा स्पीक कर रही है, बराबर। अभी उसी तरह कुछ कुछ फंक्शन, अभी इसने तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया से फंक्शन ने, बट कुछ कुछ फंक्शन क्या करते हैं, ऐसा कुछ कुछ टेक्स्ट इनपुट लेते हैं। अब ये टेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम एंड वेट, व्हाट इज योर नेम एंड वेट, ये आस्क फंक्शन को क्या है, व्हाट इज योर नेम बोलकर ये क्या है, ये एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम, और ये आस फंक्शन को इनपुट है, और आस फंक्शन हम लोग को एज अ आउटपुट क्या देता, आउटपुट हमको इसका आंसर देता, आंसर जो हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं जिसका नाम है आंसर, जो ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी उन्हें वापस दे रहा है अपने को, ये आंसर आंसर में मिल रहा है। सो अभी अगर हम लोग व्हाट इज योर नेम इसको रन करें, तो यहाँ पे उन्हें नाम पूछ रहा है, मेरे को टेक्स्ट बॉक्स में नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे अजर लूंगा और ऐसा एंटर मारूंगा, तो इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा इसलिए वो चला गया। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, से हेलो वर्ल्ड की जगह मेरे को वर्ल्ड नहीं चाहिए, मेरे को अजर के जगह, इसके जगह आंसर चाहिए, आंसर। तो आइदर मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली ये आंसर को यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो ये देखो कलर भी सेम रखा उन्होंने, और ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पजल पीसेस है जो एक दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली बैठ जाती है, एक दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली बैठ जाती है। देखो यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, ये यहाँ पर बैठ गई ऑटोमेटिकली। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग ने अभी यहाँ पर, मैं इसको रन किया, तो पहले क्या करेगा वो, आस्क क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम, और फिर बाद में जैसे मैंने उसको आंसर दिया कुछ ना कुछ, ये आंसर जो है वो फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न दे रहा है, रिटर्न दे रहा है मतलब आउटपुट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है आंसर, तो ये आंसर अजर लिख कर आ रहा है। लेकिन मेरे को सिर्फ अजर नहीं लिखना है, हेलो अजर लिखना है या हाय अजर लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को और एक से ब्लॉक डालेंगे, और एक से ब्लॉक डाला हमने, और एक आंसर भी ब्लॉक डाला हमने, और फिर बाद में हमने इसको रन किया, फिर से मैंने अजर लिखा। अब इसने हेलो बोलना चाहिए फिर अजर बोलना चाहिए, लेकिन इन्हें तो वापस से अजर ही बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि हेलो का आया वहां पर लेकिन वो फटाक से चला गया, कंप्यूटर इतना फास्ट है कि उसने वो लाइन एग्जीक्यूट की और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। तो आइदर हमको क्या करना पड़ेगा, ये से हेलो को आइदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये से हेलो को 2 सेकेंड वेट करवा सकते हैं, और फिर बाद में अजर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ, तो अभी अजर एक्स वाई जेड जो भी टाइप करना है, अभी यहाँ पे देखो फिर से इसको हेड कर रहा हूँ, तो हेलो प्रिंट हुआ पहले, 2 सेकेंड के बाद अजर प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2 सेकेंड रुक, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सिर्फ हेलो लिख रहा था तो वो सीधा चला जा रहा था, वो वेट नहीं कर रहा था। सो देन हम लोग ने बोला कि यार ये भी ठीक तरीका नहीं है, क्यों यूजर 2 सेकेंड वेट करेगा, तो हमारे पास ये से के अंदर ही से को लिया मैंने,
और हमने बोला कि ये ऑपरेटर्स के अंदर दो वर्ड्स अपने को क्या करना है, हेलो और अजर को ज्वाइन करना है। दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोगों के पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है ज्वाइन। ज्वाइन तो देखो ये ऑटोमेटिकली ये से के अंदर बैठ रहा है, तो ये जो ज्वाइन फंक्शन, ये ज्वाइन क्या है, ये भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता, दो आर्ग्यूमेंट लेता, दो टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट लेता और उन्हें क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, दोनों को कॉन्केटिनेशन करके रिटर्न करता है, दोनों का एक स्ट्रिंग करके रिटर्न करता है ज्वाइन फंक्शन। तो अभी हमने क्या बोला, यहाँ पे हम लोग हेलो लिखते हैं और ये जो अपने को आंसर आया ना, वो आंसर वापस सेंसिंग में जाते हैं और ये आंसर के हेलो के बाद ये यहाँ पर आंसर लिखते हैं। हेलो के बाद हम लोग इसको हम लोग कॉमा स्पेस देते हैं और आंसर लिखते हैं। अभी अभी हम लोग अगर इसको रन करेंगे वापस से, यहाँ पे वापस मैं अपना नाम डाल रहा हूँ और एंटर मार रहा हूँ, तो अभी ये देखो इसने हेलो अजर प्रिंट किया। तो अभी ये जो ज्वाइन फंक्शन था, हमने बोला कि ये ज्वाइन फंक्शन का आउटपुट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आगे यही आने वाला है। ठीक है, ज्वाइन क्या है, एक फंक्शन है, आउटपुट है, वो हम लोग से फंक्शन को दे रहे हैं और से फंक्शन इसको लेके वापस स्प्राइट को प्रिंट कर रहा है उसके उसके टैग के साथ ऊपर बराबर। तो इस तरीके से हम लोग ने पहला एग्जाम्पल किया स्क्रैच के अंदर, स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अंदर। सब लोग ने होप किया और घर पे प्रैक्टिस भी की। मोशन ऑन स्प्राइट, हाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इन दिस वे पहला हम लोग ने ऐसा स्प्राइट का प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर हम लोग स्प्राइट हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम। स्प्राइट बोले तो ये कैट है, कैट की जगह कुछ और भी हो सकता है। प्लस हम लोग ने ये देखा कि अभी कैट की पोजीशन 0 0 है, मतलब सेंटर में है, सेंटर में पोजीशन है। बाद में हम लोग ने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसको ड्रॉ किया और बोला कि अगर वो स्प्राइट अगर राइट में मूव करती है तो उसके एक्स के कोऑर्डिनेट्स प्लस होंगे, लेफ्ट में मूव करती है तो उसके एक्स के कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, ऊपर मूव होती है तो वाई के कोऑर्डिनेट प्लस होंगे, नीचे मूव होती है तो वाई के कोऑर्डिनेट माइनस होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ या ये चार्ट भी देखा, ये ग्राफ और ये चार्ट भी देखा जिसमें हम लोग ने एक्स वाई और वो स्प्राइट की पोजिशन कैसे चेंज हो सकती है और उसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा पहला एग्जाम्पल। फिर हम लोग ने क्या किया, फिर हम लोग ने ये एक्सटेंशन में गए और ये टेक्स्ट टू स्पीच जो एक्सटेंशन है वो हम लोग ने डाउनलोड किया। वो एक्सटेंशन जैसे ही हम लोग ने डाउनलोड किया, ये एक्सटेंशन हमने देखो अभी मैंने डाउनलोड किया, तो ये ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट टू स्पीच आ गया। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। और हम लोग ने ये डाला, ये टेक्स्ट टू स्पीच भी डाल सकते हैं हम लोग, बट लेट्स हम लोग साउंड्स में गए। अभी हम लोग को कैट को म्याओ करवाना है, तो प्ले साउंड म्याओ अंटिल डन बोल के ये फंक्शन है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कैट क्या कर रही है, म्याओ कर रही है, राइट, म्याओ कर रही है। तुम लोग को आवाज आ रही है ना, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए अभी तो वीडियो चालू ही नहीं है। ठीक है, प्ले साउंड म्याओ अंटिल डन, देखो मैंने इसको प्ले बटन दबाया तो ये क्या कर रही है, म्याओ कर रही है, म्याओ कर रही है। अगर मेरे को कैट को दो बार म्याओ करवाना है तो, या फिर मेरे को अभी दो बार तीन बार म्याओ करवाना है तो मेरे को इसको दो तीन बार ऐसा लिख रहा हूं, लेकिन मेरे को अगर ये बहुत, और ये बहुत फास्ट म्याओ म्याओ कर रही है, ऐसा लग रहा है इसको भूख है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया था, फिर साउंड्स के अंदर कंट्रोल्स के अंदर गए और हमने क्या बोला, हर साउंड के बाद थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा वेट करो।
सो देन हम लोग ने ये प्ले बटन दिया, अभी म्याऊ किया 1 सेकंड रुका हुआ, फिर से म्याऊ किया फिर से 1 सेकंड रुका। तो इस तरीके से हम लोग ने उस कैट को म्याऊ म्याऊ 3 बार करवाया। लेकिन ये म्याऊ म्याऊ 3 बार करवाना इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन, कि वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है। आइडियल सोल्यूशन नहीं है बोले तो यू आर रिपीटिंग योर सेल्फ, और ये रिपीटिंग योर सेल्फ के वास्ते प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग ड्राई प्रिंसिपल बोलते हैं। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, सब लोग अपना एक, मैंने बोला था इंटरव्यू क्वेश्चन अलग से लिखो इसको, पीछे बुक में कहीं पर भी एक अलग से लिखो, दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज ड्राई प्रिंसिपल, व्हाट इज ड्राई प्रिंसिपल, व्हाट इज अ ड्राई प्रिंसिपल, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, अपने पास यहाँ पे वेट 1 सेकेंड और प्ले साउंड, वेट 1 सेकेंड एंड प्ले साउंड, वी आर रिपीटिंग आवर सेल्फ, वी आर रिपीटिंग आवर सेल्फ। तो हमारे प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ट्राई प्रिंसिपल, उसको क्या बोलते हैं। तो इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड देर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज ड्राई प्रिंसिपल। ड्राई का फुल फॉर्म क्या है, DRY, ड्राई प्रिंसिपल। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई प्रिंसिपल। तो डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, तो हम बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ ना अपने आप को, मतलब मैं अपना कोड रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे रिपीट योर सेल्फ बोले तो कोड को रिपीट नहीं करना, जो भी अभी ये जो अपन लिख रहे हैं, ये जो ब्लॉक्स हम लोग बना रहे हैं वन बाय वन, दिस ऑल ब्लॉक्स हम लोग जो बना रहे हैं, ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, यही ये इतना ब्लॉक रिपीट हुआ, इतना ब्लॉक रिपीट हुआ, राइट। सो इन द प्रोग्रामिंग वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। सो अब इसको अवॉइड कैसे करें, इसको अवॉइड कैसे करें, इसको अवॉइड कैसे करें, तो ये जो एक्स्ट्रा जो रिपीटेशन का कोड है मैं उसको बाहर फेंक देता हूँ, और हमारे पास यहाँ पर एक रिपीट ब्लॉक है। रिपीट ब्लॉक एक फॉर लूप की तरह एक्ट करता है। अभी जैसे देखो मैं इधर इधर जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है, ये पजल पीसेस ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर ले रहे। अब मैं यहाँ पे ये रिपीट ब्लॉक डाल दिया, तो यहाँ पर हमने 10 बार रिपीट, 10 बार की जरूरत नहीं है, मैं 3 बार रिपीट करता हूँ, 3 बार रिपीट किया मैंने, और प्ले साउंड मियाओ अंटिल डन एंड वेट फॉर 1 सेकेंड। अब इसको प्ले करना, 1 बार 2 बार और 1 सेकेंड रुका, और 3 बार 1 सेकेंड रुका। तो अभी मैंने क्या किया, मेरा अभी कितने भी लाइन, मतलब अब मेरे को 10 बार रिपीट करने का, तो मेरे को 10 बार ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ पे नंबर चेंज कर दूंगा मैं 10, तो 10 बार वो मियाओ करेंगी। तो इस तरीके से हम लोग रिपीटेशन अवॉइड कर रहे हैं अपना, इस तरीके से हम लोग अपना रिपीटेशन अवॉइड कर रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ड्राइव प्रिंसिपल, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, और सब लोग ये प्रैक्टिस करो अभी, सब लोग अपना अपने 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 लैपटॉप पर ये scratch.mit.io ओपन करो। मैं ये यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, गूगल पे स्क्रैच ऑनलाइन एडिटर बोल के टाइप करो, स्क्रैच ऑनलाइन एडिटर बोलकर टाइप करो गूगल पे।
सब लोग ये पहले स्टार्ट क्लिक को, व्हेन स्टार्ट क्लिक को ये उठाओ, यहाँ से कहाँ से उठाओगे, इवेंट्स के अंदर से व्हेन स्टार्ट क्लिक को ड्रैग एंड ड्रॉप करो सबसे पहले। फिर पहले तो ये प्ले साउंड वाला कोडिंग कर लो, प्ले साउंड में आओ अनटिल डन। ये कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में साउंड के अंदर आएगा। Scratch. You can make your own story. सब लोग प्रैक्टिस करो, सब लोग ने अपना अपना ओपन किया है ऑनलाइन एडिटर, जिसका हो गया है यहाँ पे डन डालो चैट मैसेज में, जिसने कर लिया है डन डालो। रिपीट ब्लॉक से भी कर लिया सबने नॉर्मल, ये एक के बाद एक साउंड डालो। फिर बाद में इसको ही कंट्रोल्स के अंदर जाकर ये रिपीट ब्लॉक को डालो, और रिपीट ब्लॉक को फिर ये इसके अंदर डालो, तो ये 10 बार मियाओ करेंगी, तो उससे अच्छा ज्यादा अपने को नहीं चाहिए, 2 ही बार मियाओ चाहिए, तो दो ये मियाओ करेंगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये रिपीट ब्लॉक बोले तो ये एक एज अ साइकिल या लूप काम करता है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में लूप बोलते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है क्या? वीडियो की भी आवाज आ रही है? नहीं, इधर ऐप में चाहिए मेरे को। नहीं, वीडियो की आवाज जो अपन प्ले कर रहे हैं सरफराज, जो अगर तो कोई मोबाइल पे कर रहा है तो भी वो ब्राउजर में स्क्रैच को ओपन कर सकता है, जो भी अगर मोबाइल में भी कर रहा होगा अटेंड, वो अपने क्रोम के ब्राउजर में स्क्रैच को ओपन कर सकता है। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन ओपन गूगल पे लिखो स्क्रैच, या फिर ये जो लिंक भेजा मैंने उसके ऊपर क्लिक करो, तो तुम्हारा को क्रोम में वो खुल जाएगा तुम्हारे मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में, और फिर तुम कर सकते हो उसको। मैंने रीशेयर किया है अभी। I dare say this code or algorithm is correct,
But let's now critique its design. Is this well designed? And if not, why not? अभी आ रही है आवाज? वीडियो की आवाज आ रही है क्या? ओके व्हाट आर योर थॉट्स हियर या Yeah, sure, yeah. Yeah, so yeah, agreed. I could use forever or repeat, but let me push a little harder. But why? Like, this works. I'm kind of done with the assignments. What's bad about it? Yeah, there's too much repetition, right? If I wanted to change the sound that the cat is making to like a different variant of meow or have it bark instead like a dog, I could change it from the drop down here apparently, but then I'd have to change it here, and then I'd have to change it here, and God, if this were even longer, that just gets tedious quickly, and you're probably increasing the probability that you're gonna screw up and you're gonna miss one of the drop downs or something stupid and introduce a bug. Or if you wanted to change the number of seconds you're waiting, you've gotta change it in two, maybe even more places. Again, you're just creating risk for yourself and potential bugs in the program, so I do like the repeat or the forever idea so that I don't repeat myself. And indeed, what I alluded to being possible, copy-pasting earlier, doesn't mean it's a good thing. And in code, generally speaking, when you start to copy and paste puzzle pieces or text next week, you're probably not doing something quite well. So let me go ahead and throw away most of these to get rid of the duplication, keeping just two of the blocks that I care about. Let me grab the repeat block for now. Let me move this inside of the repeat block. It's going to grow to fit it. Let me reconnect all this and change the 10 just to a 3. And now, play. So better. It's the same thing. It's still correct. But now I've set the stage to let the cat meow, for instance, 4 times by changing one thing, 40 times by changing one thing. Or I could just use the forever block and just walk away, and it will meow forever instead. If that's your goal, that would be better. A better design, but still correct. But you know what? Now that I have a program that's designed to have a cat meow, wow, like why? I mean, MIT invented Scratch. Scratch is a cat. Why is there no puzzle piece called meow? This feels like a missed opportunity. Now, to be fair, they gave us all the building blocks with which we could implement that idea. But a principle of programming and really computer science is to leverage what we're going to now start calling abstraction. We have step-by-step instructions here, the repeat, the play, and the wait, that collectively implements this idea that we humans would call meowing. Wouldn't it be nice to abstract away those several puzzle pieces into just one that literally just says what it does, meow? Well, here's where we can make our own blocks. Let me go over here. ये अभी हमने ये बना दिया, एक प्रोग्राम बना दिया हमने. अभी क्या हो गया कि अभी ये जो है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी प्ले साउंड बोल के फंक्शन है, वो म्याओ इनपुट ले रहा है, साउंड ले रहा है इनपुट, फिर प्ले कर रहा है, फिर वो वेट फंक्शन है, वो 1 सेकेंड वेट कर रहा है, वो इनपुट क्या ले रहा है 1 सेकेंड, और वो वेट कर रहा है 1 सेकेंड के वास्ते. ठीक है, ये पूरा जो तीनों चीजें है, ये मिला के एक वो हो रहा है, क्या हो रहा है, एक क्या कैट की मियाउइंग की बिहेवियर हो रही है. बराबर, मतलब मियाउइंग बोल रहे हैं इसको, राइट राइट, कि कैट मियाओ कर रही है, 1 सेकेंड रुक रही है, मियाओ कर रही है, 1 सेकेंड रुक रही है, और मियाओ कर रही है, 1 सेकेंड रुक रही है. तो ये क्या हो गया है कि नॉर्मल मियाओ, प्ले साउंड मियाओ बोल रहे हैं अपन, तो वो बहुत फास्ट फास्ट मियाओ कर रही है अंटिल डन तक. लेकिन क्यों ना हम लोग ये 1 2 3 तीन ब्लॉक लिखने के जगह, कितना अच्छा होता कि अगर एक ही ब्लॉक होता मियाउइंग बोल के, क्या होता, एक ही ब्लॉक होता मियाउइंग बोलकर. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक चांस है कि हम लोग अपना खुद का ब्लॉक क्रिएट करें. हम लोग खुद का ब्लॉक क्रिएट करें, मतलब हम लोग खुद का एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. हम लोग अपना खुद का एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं स्क्रैच के अंदर. हम लोग क्या करेंगे, अभी खुद का एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन बोले तो शो व्हाट इज नेसेसरी, मतलब अगर मेरे पास एक फीचर है जिसका नाम है मियाउइंग,
तो मैं खाली वो मियाविंग का ब्लॉक यहाँ पे लाके डाल देना और मेरे को उसके अंदर क्या लिखे वाला है आई शुड नॉट केयर अबाउट, आई शुड नॉट केयर अबाउट वॉट इज रिटन इन साइड दैट फंक्शन, रादर मैं खाली वो फंक्शन का नाम लिख दूंगा वहां पे। जैसा कि यहाँ पर भी सब जगह एब्स्ट्रैक्शन ही हो रहा है, जब हम लोग फंक्शन वगैरह जब बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन ही हो रहा है। अभी अपन ने बोला है से से हेलो बोला, तो से के अंदर क्या लिखा हुआ है अपने को पता है क्या? से के अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि कैट को यहाँ पे से बोल के लिखने को लगा रही है, बराबर से के अंदर, लेकिन हमको पता नहीं है से ने से के अंदर क्या लिखा हुआ है से फंक्शन के अंदर, बट उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या दे दिया अपने को, से फंक्शन दे दिया, लेकिन उन्होंने हमारे से कोड छुपा दिया, बराबर कोड छुपा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे एब्स्ट्रैक्शन, द द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन बोले तो शो व्हाट एवर इज नेसेसरी एंड हाइड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब ये नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम लोग अभी यहां पर अपन क्या करेंगे, ये इसमें क्या हो रहा, ये ऐसा बाहर कहीं तो भी रहेगा, इसमें क्या हो रहा है अपने को नहीं पता। अपने को अभी क्या चाहिए, एक ऐसा ब्लॉक चाहिए जो खाली क्या करेगा मियाविंग करेगा, खाली क्या करेगा मियाविंग करेगा। तो हम लोग ब्लॉक कैसे बनाएंगे देखते हैं। To scratch under the pink block category here, and let me click make a block. And here I see a slightly different interface where I can choose a name for it, and I'm going to call it meow, and I'm going to keep it simple. That's it. No inputs to meow yet. I'm just going to click OK. Now, just going to clean this up a bit here. Let me drag and drop play sound and wait over here. And you know what? I'm just going to drag this way down here, because now that I'm done implementing meow, I'm going to literally abstract it away, sort of out of sight, out of mind, because now, notice at top left, there is a new pink puzzle piece called meow. And so at this point, I'd argue, it doesn't really matter how meow is implemented. Frankly, I don't know how ask or say was implemented by MIT. They abstracted those things away for us. Now I have a brand new puzzle piece that just says what it is. And this is now still correct, but arguably better design. Why? Because it's just more readable to me, to you. It's more maintainable when you look at your code a year from now for the first time, because you're sort of fondly looking back at the very first code. It says what it does. The function itself has semantics, which conveys what's going on. If you really care about how meow is implemented, you could scroll down and start to tinker with the underlying implementation details, but otherwise, you don't need to care anymore. इसको क्या बोलेंगे कि अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारा खुद का ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ पे खुद का ब्लॉक बनाने के, ये पिंक को क्लिक करने का, माय ब्लॉक को मेकअप ब्लॉक बोलने का, मेकअप ब्लॉक बोलेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक का नाम देने का, म्याओ बोल रहा हूँ अभी ये ब्लॉक का नाम, बस बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खाली एक म्याओ बोल के ब्लॉक बना रहा हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे देखो हर फंक्शन को तुमको डिफाइन करना पड़ता है। एक दो चीजें रहती है फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन का डेफिनेशन और दूसरा है फंक्शन को कॉल करना। तो अभी मैं जब इसको डिफाइन कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसको मैं इसके अंदर का मैं पूरा नहीं ले रहा हूं, अभी तो मैं इसको वेट 3 वैसी रखता हूं और इसको भी मैं वैसी ही डालता, सिर्फ इसके अंदर का जो मियाउइंग का पार्ट है मैं यहां से उठाकर यहां पे डाल देता हूं। और ये अब मेरे को मालूम नहीं कि मियाउ के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो नॉर्मल उसका मियाउ अंटिल डन है वो बहुत फास्ट था, मेरा मियाउइंग थोड़ा सा 2 सेकंड रुकता है। तो अभी हमारे पास एक लेफ्ट साइड में तुमने जैसी ब्लॉक बनाए वो मियाउ बोल के ब्लॉक बन गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल दूंगा तो अभी ये अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा और अच्छा दिख रहा है, पहले से थोड़ा और अच्छा दिख रहा है। ये दूसरी चीज है कि हमने ये मेंटेनेबल कर दिया, हमने इसको और डिजाइन को और अच्छा कर दिया हमारा, हमने क्या कर दिया अभी, अभी ये म्याओ में क्या लिखा हुआ है ये हमको पता करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं यहां से ब्लॉक उठा के डाल सकता हूँ, बराबर। और ये जो म्याओ में अगर तुमको देखना भी है तो तुम नीचे जाके स्क्रॉल करके देख सकते हो कि उसमें क्या इंप्लीमेंट करा हुआ है। दो चीजें होती है, एक तो डिफिनेशन, ये एक कॉलिंग है, और ये इसके अंदर क्या इंप्लीमेंट हुआ वो है। तो अभी अभी सेम चीज है, सिर्फ बेटर डिजाइन है, सिर्फ बेटर डिजाइन है। क्यों बेटर डिजाइन है? क्योंकि मैंने मेरा खुद का फंक्शन बनाया जिसको मैंने नाम दिया म्याओ बोलकर, और वो म्याओ फंक्शन को मैंने मैंने जो कोड था मेरा जो बार बार रिपीट कर रहा था मैंने उसको यहाँ पर डाल दिया।
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि मैंने रीडेबल डिजाइन किया, मतलब ये सिमेंटिकली अच्छा दिखता है, सिमेंटिकली अच्छा दिखता है बोले तो पढ़ने में अच्छा दिखता है, ये पढ़ने में अच्छा दिखता है, ये मेंटेनेबल है। मतलब अगर तुमने म्याओ को 4 बार यूज करा होगा, म्याओ मैंने यहाँ पर भी यूज किया, यहाँ पर भी यूज किया, म्याओ पर भी यूज किया, ऐसे मतलब यहाँ पे वो 3 बार म्याओ कर रहा है, बाद में 4 5 बार म्याओ कर रहा है, तो मैंने अगर तो यहाँ पे अगर मेरे को 2 सेकंड वेट करना है तो मेरे को 5 6 जगह चेंज करना पड़ता था पहले, लेकिन अभी एक ही फंक्शन में चेंज कर दो, जो भी चेंज आया सब जगह चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बराबर। तो मेरा कोड का लिखने का डिजाइन जो हुआ वो बहुत बेटर हुआ अभी, और मोर रीडेबल हुआ। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 3 बार रिपीट करना है और मियाओ बोलकर कॉल करना है। ये ट्राई करो, सब लोग अपना अपना ब्लॉग बनाओ, और मेरे को ये केयर नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत नीचे है, नीचे है तो इसी के अंदर रहना, तो वो इसी के अंदर चाहिए, कहीं ना कहीं से एक्सेसिबल तो होना ही चाहिए। बट यही है कि मैं इसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ से मियाऊ बोलकर, और ये बेटर डिजाइन है, सिमेंटिकली करेक्ट है और मेंटेनेबल है। सब लोग ट्राई करो अपने अपने सिस्टम पर, ये सब लोग अपने अपने सिस्टम पर ये ट्राई करो। सेम चीज बेटर डिजाइन, और एक नया कॉन्सेप्ट समझा हमने स्क्रैच में, कैसे हमारा खुद का एक ब्लॉक बनाना, ब्लॉक बनाना बोले तो हमारा खुद का एक फंक्शन बनाना, फंक्शन बनाना बोले तो फंक्शन कुछ ना कुछ इनपुट लेता, कुछ ना कुछ आउटपुट देता। अभी यहाँ पे हमारा फंक्शन तो कोई भी आउटपुट नहीं ले रहा है, कोई भी इनपुट नहीं ले रहा है, बस जो भी उसमें लिखा हुआ है वो कर रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। हो गया सभी का, सब लोग ये पिंक में जाओ, मेकअप ब्लॉक बोलो, मेकअप ब्लॉक पर क्लिक करो, एंड देन जस्ट जस्ट ऐड अ ब्लॉक, उसको नाम दो कुछ तो भी, और एक ब्लॉक ऐड कर दो, एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ब्लॉक। और ये ब्लॉक के अंदर जो हमने म्याउइंग का फीचर लिखा था, म्याउ अंटिल डन एंड देन वेट फॉर 1 सेकेंड, ये जो फीचर लिखा था हमने, ये हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे, ये म्याओ फंक्शन का ये इम्प्लीमेंटेशन है। हो गया सभी का, सबका हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हमने खाली एक फंक्शन का नाम बताया, अब ये फंक्शन को हम लोग और आगे ये भी कर सकते हैं कि ये फंक्शन, Now, I feel like there's an even additional opportunity here for abstraction and to sort of factor out some of this functionality. It's kind of lame that I have this repeat block that lets me call the meow function, so to speak, use the meow function 3 times. Wouldn't it be nice if I could just call the meow function, aka use the meow function, and pass it an input that tells the puzzle piece how many times I want it to meow? Well, let me go ahead and zoom out and scroll down. Let me right click or control click on the pink piece here and choose edit, or I could just start from scratch.
तीन रिपीट के अंदर मिल रहा है कैसे? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? स्क्रीन शेयर बंद हो गया है। अभी आ रही है क्या आवाज मेरी? ओके ओके, मेरा नेट चला गया था। सो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि तुमको कि हम लोग ने फिर कहाँ तक हुआ है, हम लोग ने म्याओ फंक्शन को एडिट किया, म्याओ फंक्शन को एडिट किया और यहाँ पे म्याओ फंक्शन के अंदर एड इनपुट किया था अपन ने, ठीक है, एड इनपुट किया था। अभी एड इनपुट के अंदर हमने वो इनपुट वेरिएबल का नाम क्या दिया, इनपुट वेरिएबल का नाम क्या दिया, एन दिया, और एन के साथ अपन ने लेबल असाइन किया और ओके बोला। तो अभी मेरा ये ब्लॉक चेंज हो गया, ब्लॉक चेंज हो गया, तो यहाँ पे मैंने जो रिपीट ब्लॉक था वो यहाँ पे लाके रख दिया। अब मैं यहाँ पे मियाओ को 3 टाइम्स यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो कौन से वेरिएबल में जा रहा है, वो एन वेरिएबल में जाएगा वो। तो अब यहाँ पे ये हार्ड कोडेड 3 रहेगा क्या रिपीट के अंदर? तो रिपीट के अंदर क्या जाना चाहिए? नहीं, तो क्या जाना चाहिए, ये जो एन यूजर ने पास किया वो रिपीट ब्लॉक को एज ए इनपुट जाना चाहिए, बराबर। ये जो एन पास किया मैंने वो रिपीट ब्लॉक को एज ए इनपुट जाना चाहिए। अब मेरा प्रोग्राम सही हो गया। अब मैं यहाँ पे जितने लिखूंगा वो रिपीट ब्लॉक को एज ए एन जाएगा और वो एन उतनी बार उसको घुमाएगा मेरे फंक्शन को। तो अब मेरा फंक्शन और रीडेबल हो गया, अब मेरा जो प्रोग्राम है और रीडेबल हो गया। यहाँ पे सिर्फ व्हेन स्टार्ट पे क्लिक करो बोल रहा है, तो और मियाओ 3 बार ये ब्लॉक उठा के ऐसा डाल दिया, तो मेरा ये मियाओ 3 बार कर लिया उसने, बराबर। और यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया, यहाँ पे मैंने ये यहाँ पर इसको उठाया, अभी यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पे 3 बोलू 5 बोलू, जितनी बार 5 बोलूंगा तो ये 5 ये एन के अंदर जाएगा, ये एन रिपीट ब्लॉक को देगा, ये रिपीट ब्लॉक वो 5 बार घुमाएगा उसको, बराबर। देन आई विल जस्ट तो ये 5 टाइम्स प्ले करेगा मियाओ, और 1 सेकेंड रुकेगा प्ले करेगा मियाओ, 1 सेकेंड रुकेगा प्ले करेगा मियाओ, 1 सेकेंड रुकेगा, बराबर। सो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, क्रिएटिंग योर ओन फंक्शन बट विथ इनपुट पैरामीटर, बट विथ इनपुट पैरामीटर। यहाँ पे हम लोग ने एक, जैसा कि वो ज्वाइन फंक्शन में दो दो पैरामीटर थे, यहाँ पे एक पैरामीटर है, जैसा कि सेव फंक्शन को एक पैरामीटर है, रिपीट फंक्शन को भी एक पैरामीटर है, बराबर। तो सब फंक्शन को इनपुट पैरामीटर बोलते हैं, ये इसको क्या बोलेंगे, फंक्शंस और फंक्शंस के पैरामीटर्स, फंक्शंस के इनपुट पैरामीटर, बराबर। करो ये ट्राई करो सब लोग अपना फंक्शन को और मॉडिफाई करो, राइट क्लिक करके एडिट करो, राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट करो, राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट करो और एड इनपुट बोलो, दो दो तीन तीन बार मत दबाओ। नॉर्मली तुम्हारा ऐसा था जिसके अंदर खाली मियाओ फंक्शन था, एड एन इनपुट बोलो, यहाँ पे एड एन इनपुट बोलो, सब मेरे साथ करो, सब लोग मेरे साथ करो, एड एन इनपुट बोलो और ये एन बोलो, एन बोल के हम लोग इनपुट ले रहे, इसको एक लेबल लगा दो, इसको एक एड लेबल बोल दो और एन की जगह टाइम्स लिख दो, यहाँ पे लेबल लगाना बोले तो खाली उसको थोड़ा सा समझना कि म्याओ एन टाइम्स लेबल इसलिए लगा रहे, लेबल का कोई मायने नहीं है, नहीं भी लगाओगे लेबल लेबल तो चलेगा, बस ये रीडेबल अच्छे से होना, इसीलिए हम लोग ने एन टाइम्स यहाँ पर लिखा है। और इसको ओके बोलो तो तुम्हारा ये ब्लॉक बन जाएगा और फिर इसको फिर तुम अच्छे से लिखो, करो ये साथ में करो, हो गया क्या सभी का? करो एडिट करो उसको और ये फंक्शन को नाउ अपना, अभी जो मैंने नया फंक्शन बनाया या मैंने नया ब्लॉक बनाया है मेरा, अब वो ब्लॉक एज अ इनपुट एन ले रहा है। और ये प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है या फिर फंक्शन ये एक पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर ले रहा है बोलते हैं इसको, इनपुट पैरामीटर ले रहा है ये बोलते हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक? सबका हो गया? एक बार रिपीट कीजिए ना।
हाँ मेकिंग ब्लॉक ठीक है। मेकिंग अ ब्लॉग बोले तो हम लोग एक खुद का ठीक है। सबसे पहले मेरा ये प्रोग्राम था जिसके अंदर मैं मियाओ कर रहा था, रिपीट कर रहा था, मियाओ की साउंड ले रहा था और 1 सेकेंड के लिए वेट कर रहा था। 1 सेकेंड के लिए वेट करके हमारा ये 10 बार मियाओ कर रहा था, या फिर ये 3 बार हम लोग ने मियाओ करवाए। हम लोग ने फॉर लूप या ये रिपीट ब्लॉक यूज करे, इसको फॉर लूप भी बोलते हैं या वाइल लूप भी बोल सकते हो तो। लेकिन ये अभी के लिए तुमको समझने के लिए रिपीट ब्लॉक है। रिपीट ब्लॉक बोले तो एक साइकिल जो बार बार रिपीट होती है जब तक ये ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। मतलब पहले एक बार रिपीट होंगी, फिर 2 बार रिपीट होंगी, 3 बार रिपीट होंगी, 3 बार बोल दिया तो 3 ही बार रिपीट होगी। जैसे 4 नंबर आ गया उसको तो वो रिपीट करना बंद कर देंगी, मतलब स्टॉप हो जाएंगी वो। तो ये वाइल लूप को हमने पहले 3 बार मियाओ साउंड प्ले करने को लगाया, मियाओ साउंड प्ले करने को लगाया। किसका चल रहा बंद करना, कितनी बार मियाओ कर रहा? तो यहाँ पर 3 बार मियाऊ हुआ वो, क्योंकि 3 बार मैंने रिपीट ब्लॉक लगाया है। तुम यहाँ पे 10 लिखोगे तो 10 बार हो रहा है। लेकिन हमने क्या बोला है कि इतना अच्छा होता कि अगर मेरे को ये 4 चीजें लिखने के बजाय, ये रिपीट ब्लॉक लिखने के बजाय, या फिर ये प्ले साउंड लिखने के बजाय, या दो आ, आ, ये दो लाइन लिखने के बजाय, ये दो लाइन के जगह एक ब्लॉक ऐसा होता जिसका नाम रहता मियाओ। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मियाउइंग की फंक्शनैलिटी लिख रहा हूँ, ये रीडेबल भी अच्छा होगा और सब अच्छा होगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि ये अगर यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक होता, क्योंकि अपना ये नॉर्मल जो साउंड है मियाओ का वो बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन मैंने एक नया कुछ तो भी बनाया है जिसके अंदर मैंने साउंड प्ले करा और 1 सेकेंड रुकाया है मैंने अपने आप को, तो मियाओ वो थोड़े से अच्छे से कर रहा है। तो ये इससे मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर अच्छा होता है कि अगर एक फंक्शन ऐसा होता है या फिर एक ब्लॉक ऐसा होता है कि मेरे को ये 2 लाइन ना लिखना पड़ता, मेरे को एक ही लाइन से मेरी मियाउइंग की जो मैंने खुद की जो फंक्शनैलिटी लिख रहा हूँ वो अच्छी हो जाती, और मैं ये मियाउइंग किसको भी दे सकता बाद में। बाद में मैं ये जो ब्लॉक है ये किसी को भी दे सकता हूं, बराबर एक बार बनाओ और किसी को भी दो। अभी ये जो टेक्स्ट टू स्पीच हमने डाला, ये किसी ने तो भी बनाया है, ये ब्लॉक किसी ने तो भी एक्स्ट्रा बनाया है, ब्लॉक अपार्ट फ्रॉम जो ऑलरेडी स्क्रैच ने प्रोवाइड किया है उसके अलावा किसी ने ये ब्लॉक बनाया है और अपने को दिया है, बराबर। वैसे ही मेरे को अगर अच्छा होता कि मैं अगर एक कोई तो भी मियाउइंग बोल के कुछ तो भी ब्लॉक बनाता और मैं सबको बांट सकता, तो उसको क्या बोलेंगे कि अपना खुद का ब्लॉक बनाना या अपना खुद का फंक्शन बनाना, उसको क्या बोलेंगे। तो खुद का फंक्शन या खुद का ब्लॉक बनाना है तो ये पिंक कलर के अंदर माय ब्लॉक है, वहां पर मेक अ ब्लॉक बोलने का, और इसको मैं ब्लॉक का नाम देता हूँ मियाओ बोल के, एक ब्लॉक का नाम दे देता हूँ, ओके बोलता हूँ। तो अब ये देखो ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया और ये उसको डिफाइन करो बोल रहा है कि ये जो तुमने ब्लॉक बनाया ये करेगा क्या, इसको डिफाइन करो, इसको बताओ कि क्या करना है, इसको बताओ कि क्या करना है। तो मैंने क्या बोला कि ये मियाओ जो ब्लॉक है वो प्ले साउंड मियाओ करेगा और 1 सेकेंड रुकेगा। अभी मैंने ये लिख दिया और अब इसको मैंने नीचे लिख दिया, तो मेरे को ये पता नहीं है कि मियाओ के अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ, माय ब्लॉक्स के अंदर जा रहा हूँ, तो मियाओ बोल के एक ब्लॉक मिला मेरे को और मैं ये मियाओ ब्लॉक को यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये मियाओ ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरे को ये पता है कि ये मियाओ ब्लॉक सिर्फ मियाउइंग करेगा, मियाउइंग करेगा बोले तो कैट की आवाज निकालेगा, बराबर। अभी अगर मैं प्ले साउंड बताऊं तो ये सेम चलेगा जैसे चल रहा था, क्यों चलेगा, क्योंकि ये रिपीट ब्लॉक पहली बार आएगा और मियाओ फंक्शन को कॉल करेगा, मियाओ फंक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है, मियाओ फंक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है, तो वो प्ले साउंड मियाओ करेगा और 1 सेकेंड रुकेगा। बाद में वापस से दूसरी बार कॉल करेगा, वापस से ये फंक्शन कॉल करेगा। अभी ये फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है ये अपने को नहीं पता, बट ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे।
जैसा कि अभी हम हमारे पास यहाँ पे ये से फंक्शन है, ये से फंक्शन है, से और हेलो पास कर रहे हैं अपन इसके अंदर। अब ये से फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ ये हमको हमको नहीं पता। इससे क्या हो रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, कि दुनिया को ये नहीं पता, ये इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर अंदर क्या लिखा हुआ है। जस्ट तुमने एक एक अच्छा सा नाम दे दिया तुम्हारे जो तुम बनाना चाह रहे हो, कोई भी नई चीज तुम बनाना चाह रहे हो उसको अच्छा सा नाम दे दिया और वो पूरी चीज वो ब्लॉक के अंदर डाल दी, तो सामने वाले को खाली ये प्ले बटन दबाना है या खाली इसको उठा के कहीं तो भी डालना है और उसको यूज करना है। तो ये रीयूजेबिलिटी फंक्शनैलिटी मेंटेनेबिलिटी के लिए इजी जाता है, रीयूजेबिलिटी के लिए इजी जाता है, और अपन खुद का एक ब्लॉक बना रहे, रीडेबिलिटी के लिए इजी जाता है। सिमेंटिक, इसको क्या बोलते हैं, रीडेबिलिटी मतलब ह्यूमन रीडेबल हो जाता है तुम्हारा कोड। अब सामने वाले को ये रिपीट ब्लॉक क्या रहता है ये वो समझने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को बस ये पता होना चाहिए कि म्याओ क्या होता है। म्याओ बोले तो उसको ह्यूमन समझ में आ रहा है कि उसको कैट की साउंड निकालेगा, वो कैट की साउंड निकालेगा। म्याओ करेगा बोले तो कैट की साउंड रिपीट। अब एक और चीज यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे और एक स्कोप है अपने को और अच्छे से इम्प्रूव करने के वास्ते, हमारा फंक्शन जो हमने लिखा हुआ है उसको अपन थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रिपीट ब्लॉक के अंदर क्यों डालना है, रिपीट ब्लॉक के अंदर क्यों डालना है, क्यों ना हम लोग ये रिपीट ब्लॉक को भी निकाल दे। तो हम लोग क्यों ना रिपीट ब्लॉक को भी हम लोग क्यों रिपीट ब्लॉक को हम लोग क्या करें, ये इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अब म्याओ को एडिट करते हैं और म्याओ को बोलते हैं कि हम लोग म्याओ के अंदर कितनी बार म्याओ करने का है, कितनी बार म्याओ करने का है उसकी फंक्शनैलिटी हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड इनपुट करते हैं। तो अब ये इनपुट पैरामीटर लेगा, ये म्याओ फंक्शन क्या करेगा, इनपुट पैरामीटर लेगा। अब ये इनपुट पैरामीटर को नाम अपन कुछ भी दे सकते हैं, एन दे सकते, एक्स दे सकते, वाई दे सकते, जो तुमको देना है वो दे सकते। यहाँ पे एन थोड़ा नंबर बोल के अच्छा दिखता बोल के एन ले रहे हैं अपन, और इसको एक लेबल लगा रहे हैं कि सिर्फ दिखने के लिए अच्छा दिखना बोल के, कि एन टाइम्स, ये रीड करने के लिए, मतलब ये फंक्शन जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ ये म्याओ करेगा और तुम बताओ कि कितनी बार म्याओ करेगा, तुम बताओ कि कितनी बार म्याओ करना है। तो इसीलिए हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ पे हमने एन टाइम्स लिखा, एन टाइम्स लिखा और ओके किया। तो अभी ये देखो तुम्हारा फंक्शन, तुम्हारा ब्लॉक चेंज हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है, ये नीचे अगर मैं ले लूँ तो तुमको यहाँ पर यही दिखेगा, म्याओ एन टाइम्स, म्याओ एन टाइम्स। अब ये म्याओ के जगह यहाँ पे मैं कितने टाइम्स करना है तो 3 times बोल सकता हूँ, या जो भी इनपुट देना है वो। लेकिन ये इनपुट क्या होगा, ये इनपुट किसको जाएगा, एन को जाएगा, ये इनपुट जो है यहाँ पे एन को जाएगा तुम्हारे फंक्शन में। लेकिन अभी भी तुम्हारा तीन ही, अभी तुमने यहाँ पे 5 लिखे ना तो भी इन्हें 3 बार म्याओ करेगा, क्यों, अभी यहाँ पे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, 1 बार म्याओ किया, 2 बार किया और 3 बार ही किया, बंद हो गया। लेकिन तुम बोलोगे मैंने तो 5 लिखा है यहाँ पे, लेकिन तुमने 5 जो लिखा वो इनपुट n वेरिएबल को जाएगा और ये रिपीट जो हो रहा है यहाँ पे 3 बार हो रहा है। तो ये n वेरिएबल को अगर मैंने उठाकर ये जो भी 5 यहाँ से आ रहा है, ये 5 अगर मैंने ये रिपीट को दे दिया एज अ वेरिएबल, तो जितनी बार मैं ऊपर लिखूंगा वहां पे उतनी बार वो म्याऊ करेगा। तो जो इनपुट दे रहे तुम वो एक वेरिएबल में जाएगा, जिसको जो तुमने इनपुट वेरिएबल का नाम दिया, एक्स दो, वाई दो, ABCD दो, जो भी नाम दोगे तुम। अभी हमने यहाँ पे एन वेरिएबल का नाम दिया, इसीलिए हम लोग ने एन को यहाँ पे उठा के रखा, बराबर। तो उन्हें क्या कर रहा है यहाँ पे, रिपीट, अभी जितनी बार तुम यहाँ पे दोगे उतनी बार वो रिपीट करेगा, बराबर। तो अभी हमारा यहाँ पे ये और अच्छा हो गया। अभी अभी तुमको यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये केयर करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये केयर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुमको जब भी आओगे तुम, ये अगर तुमने अच्छे से सेव कर दिया, साइन इन वगैरह करके सेव कर दिया और इसको तुमने पब्लिश कर दिया इंटरनेट पे, तो सामने वाले को जैसे उन्होंने तुम्हारा प्लग इन तुम्हारा डाउनलोड करा उन्होंने, तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉग उसको दिख जाएगा। अब इसके अंदर क्या लिखे वाला ये नहीं दिखेगा उसको, खाली उसका काम क्या रहेगा, इसको उठाने का और लगाने का कहीं पर, बराबर। जैसा कि यहाँ पर ये टेक्स्ट टू स्पीच, इन्होंने भी कुछ तो भी बनाया हुआ है, ये ब्लॉक्स जो है ये एक्स्ट्रा ब्लॉक उन्होंने बनाया हुआ है। अब खाली अपने को उठाने का और लगाने का और उसका काम कर लेगा वो, जो काम कर रहा है, जो उसका मीनिंग है उसका काम कर लेगा वो, जो उसका नाम दिए तुमने उसका वो काम कर लेगा वो, बराबर। जैसा कि सेव फंक्शन था तो कैट ने सेव कर लिया, आज का क्वेश्चन फंक्शन था तो आज का क्वेश्चन कर लिया उन्होंने, लेकिन आज के अंदर क्या लिखा हुआ है
आस्क लेकिन एक फंक्शन है, आस्क है कि लेकिन एक फंक्शन है, एक एक ब्लॉक है, एक फंक्शन है जो किसी ना किसी ने लिखा हुआ है, तभी जाके वो हो रहा है। कंप्यूटर को कुछ भी खुद से नहीं कर सकता है वो, जब तक उसको बताएंगे नहीं कि क्या करना है। तो हम भी जब अपना एक नया फंक्शन लिख रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्यूटर को डिफाइन करके बता रहे हैं कि बॉस मैं ये मियाओ फंक्शन लिख रहा हूँ, ये इनपुट एन लेगा और इसके अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, उसका ये लॉजिक रहेगा, उसका ये लॉजिक रहेगा इम्प्लीमेंट करने का, और इस तरीके से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एक बार इम्प्लीमेंट कर लो, कितनी भी बार यूज कर लो, एक बार इम्प्लीमेंट कर लो और कॉल कितनी भी बार कर सकते हैं, इसीलिए इसको फंक्शन बोलते हैं। और ये फंक्शन इनपुट आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये फंक्शन इनपुट आर्ग्यूमेंट ले रहा है एन, ठीक है। सब लोग ये करो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, हो गया क्या सभी का ये खुद से ट्राई करना? कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? सब लोग ने ट्राई कर लिया क्या इसको? सब लोग ये ट्राई करो। सब लोग इसको ट्राई करो, ठीक है, हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अभी रियल वर्ल्ड में भी क्या होता है कि कंपनीज वगैरह में लाखों लाइन का कोड होता है, लाखों लाइन का कोड होता है, वो लाखों लाइन को डायरेक्टली तो लिखा नहीं है उन्होंने, या एक ही पेज में, या एक ही ऐसा नेक्स्ट नेक्स्ट एक ही लाइन बाय लाइन लिखते तो नहीं गए हैं उन्होंने सबको। पूरा बड़ा प्रॉब्लम है उनका, बड़ा प्रॉब्लम को उन्होंने छोटे 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 प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, हर एक प्रॉब्लम एक एक टीम को दे दिया, ये टीम वो फंक्शन लिखेंगी, वो टीम वो फंक्शन लिखेंगी। तो तुम छोटे 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 पजल पीसेस या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, और वो प्रॉब्लम जाके 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 एक बड़ा सोल्यूशन बन रहा है तुम्हारा, बराबर है। तो इन द रियल वर्ल्ड एज वेल यू हैव टू राइट स्मॉल एंड स्मॉल, जितना स्मॉलर तुम लिख सको और जितना फंक्शनैलिटी को और स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल कर सको उतना अच्छा है। और जितना पहले से सूडो कोड लिख सको कि पहले तुम्हारे माइंड में, अभी तुमको एक बड़ा प्रॉब्लम मिला तुमको उसको स्टार्ट करने में ही टाइम लगेगा, अनलेस तुम लोग बैठो पेपर पे एक सूडो कोड लिखो कि मेरे को करना क्या है, पहले सूडो कोड लिखो करना क्या है, कितने फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, ओपन अ बुक का फंक्शन, वॉच का फंक्शन, जो अपन ने सूडो कोड एक लिखा, अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे मेरे को, चार पांच फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक फंक्शन रीयूज भी होगा तुम्हारा, मतलब एक फंक्शन 2 से 3 बार भी कॉल हो सकता है, मतलब कितनी भी बार कॉल कर सकते हो ना तुम, ये इसको 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ऐसा कितने भी बार तुम ये फंक्शन को कॉल कर सकते हो, बराबर। तो
तो इस तरीके से तुम एक ही बार फंक्शन लिखो, कॉल मल्टीपल टाइम्स करो, और इस तरीके से हम लोग बड़े प्रॉब्लम को, बड़े सॉल्यूशन को या बड़े प्रोजेक्ट को स्मॉलर पीसेस में विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स या फंक्शंस हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ऑडिबल नहीं है क्या? Here, something like this. It'd be cute if like the cat meows, like you're petting a cat. So I'm going to ask the question when the green flag is clicked. तो अभी अपन अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया? अपन ने नॉर्मली जो था रिपीट ब्लॉक देख लिया वगैरह। अभी अपन एक कंडीशन देखेंगे, इफ कंडीशन क्या, तो चलो कुछ तो और करते हैं। तो अभी अपने को क्या करना है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक हुआ, और अगर मैंने ये पॉइंटर अगर मैंने कैट के बाजू लेके गया, या पॉइंटर अगर मेरा ये माउस का पॉइंटर अगर मेरा कैट को टच कर रहा है, तो चूने ने मियाव करना, तो चूने ने मियाव करना। अगर माउस का पॉइंटर अपना कैट को टच कर रहा है, तो हम लोग क्या करने का है, अभी एक कंडीशन लगाना है हमको। अब क्या करना है, कंडीशन लगाना है, अगर द कैट देन मियाव, If let's see, I think I need sensing. So if touching mouse pointer, क्यों ये आ रहा जा रहा, लाइट आ रही जा रही है क्या? Pointer. This is way too big, but again, the shape is fine. So there it goes, grew to fill. And then if it's touching the mouse pointer, that is, if the cat to whom this script or this program, anytime I attach puzzle pieces, MIT calls them a script or like a program, if you will. Let me go ahead then and choose a sound and say play sound meow until done. All right, so here it is to be clear. When the green flag is clicked, ask the question, if the cat is touching the mouse pointer, then play sound meow. Here we go, play. All right, let's try again. Play. तो अभी अपन क्या करते हैं, यहां से कंट्रोल में से अपन इफ को उठाते हैं और यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं। अब कंडीशन क्या है, इफ द माउस पॉइंटर टचिंग द फ्लैग। तो अभी टचिंग का जो है वो सेंसिंग के अंदर है लॉजिक। तो टचिंग माउस पॉइंटर बोल के देखो एक है, टचिंग माउस पॉइंटर बोल के है, इफ के अंदर देखो ये ऑटोमेटिकली बैठ जा रहा है, ये कंडीशन है। ये देखो इफ के अंदर ऑटोमेटिकली बैठ जा रहा है, ये क्या है, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है। टचिंग माउस पॉइंटर या तो टच हो सकता है या तो नहीं हो सकता, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अपन ने बोले बराबर, अपन ने एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन अपन ने सुडो कोड में देखे, अपने अपने सुडो कोड में हम लोग ने बुलियन एक्सप्रेशन देखे हैं। सुडो कोड हमने जब लिखे थे पिछले लेक्चर्स में, वहां पे हम लोग ये सुडो कोड देखा है कि
हमने बोला है कि टचिंग द माउस पॉइंटर, ये क्या है, ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स होता है, ये क्या है, एक क्वेश्चन है जो कि जीरो और वन या ट्रू और फॉल्स ही आंसर देगा। अगर ये टचिंग द माउस पॉइंटर है तो अपने को क्या करने का है, साउंड में जाएंगे, प्ले साउंड म्याओ करेंगे, अपन प्ले साउंड म्याओ करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, नहीं किया इन्हें, भले ही मैं माउस पॉइंटर टच कर रहा हूँ फिर भी ये नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, बोले तो क्यों नहीं कर रहा बताओ। अपन ने लॉजिक तो सही लिखे लेकिन ये फिर भी वर्क नहीं कर रहा, कोई बता सकता है कि अपन ने लॉजिक तो लिखा लेकिन फिर भी हमारा कोड काम नहीं कर रहा। मेरा नेटवर्क का इशू था, हाँ तो फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा है, कोई बता सकता है। मैंने लॉजिक तो लिखा सही, मैंने लॉजिक तो सही लिखा कि मैंने एक इफ कंडीशन लाया, मैंने सेंसिंग के अंदर से टचिंग द माउस पॉइंटर ट्रू आया और प्ले साउंड म्याओ भी लिखा, मैंने ये लॉजिक लिखा है, फिर भी मेरा लॉजिक क्यों वर्क नहीं कर रहा है बताओ, कोई बताओ, कोई बता सकता है। अपन ने कंडीशन क्या लिखी, इफ माउस पॉइंटर टचिंग, टचिंग माउस पॉइंटर, तो अपन जब क्या हो रहा है कि जब अपन ये प्ले बटन दबा दे रहे हैं और जैसे जी कैनवस के अंदर जाए तो टचिंग माउस नहीं है तो प्ले साउंड नहीं करेंगे और ये सिर्फ एक ही बार होगा बराबर, समझ रहा क्या क्या हो रहा, हाँ नहीं समझा, जैसी तुमने स्टार्ट बटन दबाए वैसी चीज लॉजिक चालू हो गया, देखो लॉजिक चालू हो गया खत्म हो गया, लॉजिक चालू हो गया खत्म हो गया, इस फ्लिकर दिख रहा तुम्हारा कुछ के ऊपर, लॉजिक चालू हुआ खत्म हुआ, खत्म क्यों हुआ, क्योंकि जैसी लॉजिक चालू हुआ उन्होंने माउस पॉइंटर की पोजिशन देखा, उन्हें बोला माउस पॉइंटर की पोजिशन तो ग्रीन फ्लैग पे है, ये तो टचिंग मेरा स्प्राइट है नहीं, तो उन्हें बाहर निकल गया, बाहर निकल गया ना। यहां पर ये मैंने बटन प्ले करा कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मैंने बटन दबाया कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, वो प्रोग्राम ने चेक करा कि इफ टचिंग द माउस पॉइंटर है क्या, अगर है तो उन्हें करेगा, लेकिन टचिंग है क्या, स्प्राइट को टच कर ही नहीं ना, मेरा पॉइंटर तो वो ग्रीन फ्लैग के ऊपर ही चेक, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, हाँ वेट फॉर वन सेकेंड, फिर भी मेरा एक सेकेंड में मैं वहां तक पहुंचूंगा, गारंटी क्या है, मैं एक सेकेंड में वहां पर पहुंचूंगा, इसकी गारंटी क्या है, कोई और सॉल्यूशन, कोई और सॉल्यूशन, मेरे को ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन मेरे को हमेशा चेक करना पड़ेगा, हमेशा चेक करना पड़ेगा, बोले तो फॉरएवर चेक करना पड़ेगा, मतलब ये लूप को घुमाते 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 हमेशा चेक करना पड़ेगा मेरे को ये कंडीशन। तो यहां पर एक कंट्रोल है जिसका नाम है फॉरएवर ब्लॉक, या तो रिपीट ब्लॉक करो या फॉरएवर ब्लॉक, लेकिन रिपीट ब्लॉक फॉरएवर नहीं होगा ना, मेरे को ये सेम कंडीशन जो है वो हमेशा चेक करना है, क्या करना है, हमेशा चेक करना है, हमेशा ऑलवेज, तो फॉरएवर ये लॉजिक परफॉर्म करो, फॉरएवर ये लॉजिक परफॉर्म करो, मतलब फॉरएवर ये लॉजिक परफॉर्म करो जो भी मैं लिख रहा हूं। तो अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो ये देखो ये लॉजिक अभी भी चालू है मेरा, अभी मेरा ये माउस पॉइंटर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, अभी भी मेरा लॉजिक चल रहा है, जैसे मेरा ये जैसे छोड़ दिया उन्हें नहीं कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली मेरा लॉजिक अभी फॉरएवर मेरा ये लूप घूम रहा है, मेरा ये लूप घूम रहा है और मेरा माउस का पॉइंटर उन्हें कंटिन्यूअसली चेक कर रहा है कि कहां पर है, समझ रहे हो, कंटिन्यूअसली वो माउस का पॉइंटर चेक कर रहा है और कर रहा है बराबर। सब लोग ये ट्राई करो, कोई क्वेश्चन इसमें,
इसको सब लोग ट्राई करो, सब लोग ये ट्राई करो, ये लिख के ट्राई करो, सब लोग ये ट्राई करो।
हो गया क्या सभी का? सबका हो गया? और सब लोग होप नोट्स निकाल रहे होंगे? सब लोग नोट्स निकालो और मतलब अभी जो जो भी पढ़े होप उसके नोट्स निकाल रहे होंगे। हम लोग फंक्शन क्यों बना रहे हैं, उसको इनपुट आर्ग्यूमेंट पास करना बोले तो पैरामीटराइज कर रहे हैं हम लोग फंक्शन को, और जो भी छोटी छोटी चीजें हैं मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इसके आगे का कल करेंगे। सब लोग ने प्रैक्टिस कर लिया ना, यहां तक सब लोग सिंक में हैं? ठीक है, चलो फिर मेरी नेक्स्ट बैच चालू हो रही है, कल मिलते हैं, इसके आगे का करेंगे।